तो किशोर तिवारी, विदर्भ में आपकी विजिबिलिटी उतनी नहीं है, इसलिए वहां पेज फंस गया है, इसलिए कांग्रेस भी अड़ गई है। देखिए विनोद जी, 274 जगह पे हमने सेटल कर लिया है, और आज मैंने अनिल देसाई से भी बात की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी बात की, और 12 सीटों पर, देखिए आकाश जाधव जो कह रहे हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी बाहरी मतों से, जैसे बल्लारपुर है, अहेरी कहो, चंद्रपुर कहो, इसमें चुन के आए, तो नाना पटोले अपने कार्यकर्ता के लिए आग्रह करें, ये बहुत अच्छी बात है, और हम हमारे पार्टी के लोगों के लिए आग्रह करें, ये हमारी बात है, और उसके लिए संजय राउत और अनिल देसाई भिड़े हुए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये 12 सीटों पर भी हमने कंसेशन बना लिए हैं, लेकिन टिकटों का आपने बोला ना, तो कल कांग्रेस ने अपना बीजेपी ने 99 सीटें डिक्लेयर करी, 75 तो उन्होंने वही निकम्मे एमएलए डाल दिए। अब क्या होता है कि बीजेपी और वो गद्दारों की जो पार्टियां हैं वो अपना डिक्लेयर कर दे, उसके बाद हम डिक्लेयर करें। हाँ, खबर आ गई है, अजित पवार भी आज ही कर सकते हैं, शिंदे की शिवसेना वो भी आज ही पहले लिस्ट जारी कर सकते हैं। जैसे ही लिस्ट जाहिर करेंगे हमारे ऑप्शन और खुलेंगे, और मैं अभी बता रहा हूँ, इस वक्त कोई भी फ्रेंडली कॉन्टेस्ट ना हो, इसलिए विनोद जी 4 नवंबर तक हमें समय है, और हम बीजेपी को और ये गद्दारों को जगह दिखाने के लिए। किशोर जी, आप तो फुल कॉन्फिडेंस में हैं, आप तो फुल कॉन्फिडेंस में, लोकसभा की तर्ज पर इस बार भी एमवीए पूरी तरह मजबूत है, तो क्यों आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि वहां से लिस्ट जारी होगी उसके बाद आप करेंगे? अरे भाई, महाराष्ट्र में जातीय समीकरण बहुत ही सक्रिय कर दिए है देवेंद्र फडणवीस ने, तो हमको भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, एक बार विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए विनोद। एक बात, हाँ देखिए पूजा जी, मेरे मित्र अजय पाठक जो नागपुर से है वो आज मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, कर नागपुर के दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस चुन के आ जाते हैं, तो फिर तो समझ लेना बीजेपी की सरकार बन रही है। इतनी विपरीत परिस्थिति है, विदर्भ में तो सुपड़ा साफ होने वाला है, अरे मैं बता रहा हूँ ना। और कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाना चालू कर दिया है, मुस्कुरा रहे हैं अजय पाठक जी आपकी बात पर, क्या है उनका, उनको हंसना ही बाकी रखा है अभी हमने। चले हाँ विनोद बोलिए। किशोर जी आप कह रहे हैं विदर्भ से हम सुपड़ा साफ करने वाले हैं, लेकिन मैं अभी विदर्भ गया था पिछले ही महीने, ये सीटों का जिक्र मैंने किया ना भाई, चंद्रपुर की हो, गढ़चिरौली की हो या भंडारा गोंदिया की हो, वहां तो शिवसेना का केडर ही नहीं है, शिवसेना का तहसील प्रमुख तक नहीं है हमें मिला है वहां पर, तो कैसे लड़ेंगे? अगर वो सीट आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है तो आपकी दोस्त पार्टी को आप क्यों नहीं दे देते, और दूसरी कुछ और जगह मुंबई में सेटलमेंट कर लीजिए, कहीं और सेटलमेंट कर लीजिए सीटों का। नहीं विनोद जी, तुम्हारी बात का हमने गौर किया है, और आप जल्द ही अप्रोप्रिएट डिसीजन देखेंगे। अरे हमारे कोई कैडर आए चुन के वहां हमारा पार्टी का संगठन बने, ये हमारी इच्छा रहना। लेकिन 12 सीटों के लिए इतनी कश्मकश क्यों हो रही है? ये वो 12 सीटें हैं जहां ना आप हो ना कांग्रेस है, बीजेपी इंडिपेंडेंट्स ने जीती है, तो फिर क्यों इतनी कश्मकश? पूजा, ये मीडिया का बवाल है, अंदर तो हम चाय पी के, अरे हमारे कार्यकर्ता को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो उसके टिकट मांगने के बवाल हरियाणा में आया था, इसलिए बीजेपी बार बार हरियाणा की बात करती है। अरे कुछ नहीं करते, अंदर हम सब है, अरे हरियाणा कहाँ है, हरियाणा बहुत छोटा राज्य है, महाराष्ट्र इतना बड़ा है कि बीजेपी पूरी की पूरी बदनाम हो चुकी है, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा की कंपैरिजन ठीक नहीं है, लेकिन हरियाणा ने कांग्रेस ने जो गलतियां की थी, सहयोगियों का सम्मान नहीं किया था, तो वो चीज कांग्रेस अवॉइड कर रही है। तो रेस तो यहाँ पे सीएम फेस पर तो यहाँ पर भी दिख रही है, हर पार्टी चाहती है कि उनके उनका ही नेता नेतृत्व करे, आप भी तो यही चाहते हैं ना? देखिए अब आज से कल से चुनाव में फॉर्म भरना चालू हो गया है, इसके पहले सब बोल चुके, हमारी बात हो चुकी है, हर नेता मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ ऐसा बोले
तभी उसके जिले में माहौल बनेगा, तो सभी नेता अपने अपने एक ऐसा ही माहौल हरियाणा में भी बना था किशोर जी, फिर मुझे हरियाणा पटोले पर इशारा कर रहे हैं। नाना पटोले पर, अरे भाई पटोले पटोले, ये नाना पटोले को किशोर तिवारी जी, नाना पटोले जी को ये किशोर तिवारी जी नाम ले लीजिए ना नाना पटोले जी का। अरे भाई नाना पटोले थोड़ी है, बहुत है। हाँ लेकिन नाना पटोले का मुख्यमंत्री बनने के लिए एम्बिशन रखना क्या गलत है? नाना पटोले एक होनहार आदमी है, जो मोदी जी से टकरा कर बाहर आया है, और नाना पटोले अपने कार्यकर्ता के लिए आग्रह करे ये बात उचित है, लेकिन शिवसेना को भी तो चांस मिले। हाँ और उद्धव जी तो मुख्यमंत्री बनना तय है, वो हमारी शरद पवार जी और राहुल गांधी से बात हो गई है, इस पे मैं विवाद नहीं करूंगा अभी, क्योंकि हर जिले के नेता को मैं मुख्यमंत्री बनना ये बोलने का अधिकार है और उसका हम सम्मान करते हैं। ठीक है, इसलिए बार्गेनिंग स्टेट में आप दिख रहे हैं कि भैया हमने लोकसभा में रामटेक और अमरावती आपको दी, तो अब आप हमें यहाँ पर जगह दीजिए। अब वो कब तक सुलटता है मामला वो देखते हैं, लेकिन यहाँ अजय पाठक साहब, हाँ 4 नवंबर तक हो जाएगा, 4 नवंबर आखिरी डेट है, 4 नवंबर तब तक हो जाएगा। 276 तो तय हो गए, कितने दिन मिलेंगे? हम तो आखिरी तक देखेंगे ना, जब तक इलेक्शन कमीशन ने हमें परमिशन दी है तब तक देखेंगे कि कौन चुन के आता है। और हम कोई बीजेपी को इस वक्त छोड़ने वाले नहीं है, महाराष्ट्र के जनता का जो भावना है उसका आदर हम करेंगे। अरे लेकिन ये सिर्फ टवल बाहर आ रहा है ना, जनता के सामने जा रहा है किशोर तिवारी जी, फिर ये फायदा अजय पाठक उनकी पार्टी ले जाएगी। अजय पाठक जी उनका तो नंबर गया, अजय जी तो बेचारे नर्वस है आज ही। बोलिए अजय जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए।